हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है नॉइस की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच जिसका नाम है नॉइस कलरफिट पल्स गो बज। काफ़ी लंबा नाम है बट आप लोगों को पता है कि नॉइस की वॉचेस के नाम में जब बज लगता है तो मतलब वो कॉलिंग वॉच है। और ये भी एक बजट कॉलिंग वॉच होने वाली है क्योंकि इसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो है 2000 और बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोगों का बजट कम है और कम बजट में एक अच्छी कॉलिंग वॉच लेना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, हो सकता है ये वॉच आप लोगों को पसंद आ जाए। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है और मेरे पास दो यूनिट था, एक ग्रीन और दूसरा ग्रे, और ग्रीन कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं जिसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ग्रीन कलर इतना अच्छा लगने वाला है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरह का बॉक्स मिल जाता है और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स लिखे हुए मिल जाते हैं जिसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पर आपको क्यू आर कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज़र मैनुअल मिल जाती है, उसके बाद वारंटी कार्ड और स्टिकर्स मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको वॉच मिल जाती है और एक केबल मिल जाती है जिससे आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं। बाकी आप वॉच को ऑन करते हैं और फोन से पेयर करते हैं तो यहाँ पर बटन को प्रेस करके होल्ड करना है और यहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग आती है और एक क्यू आर कोड आ जाता है। इसके फिजिकल और वीक बात करें तो यहाँ पर आपको राइट साइड में बटन मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको सेंसर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर है। बाकी इस साइड में आपको स्पीकर वेंट दिया गया है और देख सकते हैं डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है इसकी। तो अब इसको पेयर करते हैं और यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन में नॉइस फिट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है और इसको पेयर करना काफ़ी इजी है। आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर स्कैन पर जाना है और बारकोड को स्कैन करना है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पेयर पर टैप करना है और आसानी से वॉच पेयर हो जाएगी। तो पेयर करना काफ़ी ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये रही वॉच और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर इसकी डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और इसमें आपको यूनिबॉडी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी इसका जो साइज़ है वो काफ़ी परफेक्ट है और ये सभी रिस्ट पे अच्छी लगने वाली है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है बट जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है और लुक वाइज वॉच काफ़ी प्रीमियम लगती है। रही बात स्ट्रैप की तो यहाँ पर आपको 20mm का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप मिल जाता है और काफ़ी सॉफ्ट है, तो अगर आप देर तक भी पहनती हैं वॉच को तो आपको कोई भी इरिटेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये एक रिप्लेसेबल स्ट्रैप है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो मैकेनिज्म मिलता है वो थोड़ा सा अलग मिलता है, तो ये बस नॉइस की वेबसाइट पे ही मिलेगा, आपको अलग से नहीं मिलेगा। बाकी इस तरह की स्ट्रैप की वजह से इसकी जो फिटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बिल्कुल स्नग फिटिंग आपको मिल जाती है इसमें। और वेट की बात करें तो इसका वेट 38 ग्राम्स, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और अगर आप रात में पहनते हैं तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपको IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है तो 1.5 मीटर गहरे पानी तक इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं। रही बात डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 1.69 इंचेस की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की TFT डिस्प्ले मिल जाती है जिसका रेजोल्यूशन है 240x280 pixels, तो डिस्प्ले शार्प है और कलर्स काफ़ी पंचे आते हैं। बाकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, तो डिस्प्ले सुपर ब्राइट है और आउटडोर में आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी, तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है प्राइस को देखते हुए। रही बात बेजल की तो यहाँ पर आपको थोड़े से मोटे बेजल देखने को मिल जाते हैं नीचे साइड में और ये नॉर्मली है, आप लोगों को पता है कि इस बजट की वॉचेस में आपको इतने बेजल मिलते हैं। इसका रेस्ट वेक भी सुपर फास्ट है और जैसे ही हैंड को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, वापस लेकर जाएंगे डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी और ये काफ़ी सही से वर्क करता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। बाकी रही बात वॉच फेस की तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन 6 वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है वॉच में और इसमें आप अपना कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्प और अच्छी क्वालिटी आती है। एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको 150+ वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है और आप लोगों को पता है कि नॉइस के वॉच फेस का कलेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है, तो यहाँ पर आपको वॉच फेस भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं इसमें। बाकी इसमें आपको दो तरह की मेन्यू स्टाइल भी मिल जाती है, एक है लिस्ट व्यू और दूसरे आपको ग्रिड स्टाइल मिल जाती है। अब बात करते हैं इस वॉच की फीचर्स की, तो चलते हैं इसकी मेन्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नॉइज हेल्थ का फीचर दिया गया है, इसमें जाएंगे तो आपको एक्टिविटी, उसके बाद हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप ट्रैकिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है। उसके बाद नॉइज बज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स और इसमें आप अपने 10 कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं, उसके बाद कॉल हिस्ट्री और यहाँ पर आपको डायल पैड मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं क्लॉक में, तो यहाँ पर आपको अलार्म और वॉच से ही अलार्म को सेट कर सकते हैं, ये मुझे काफ़ी सही लगा। उसके बाद टाइमर, स्टॉप वॉच और वर्ल्ड क्लॉक का फीचर मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको वर्कआउट्स का फीचर दिया गया है और इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको 100 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं और इसमें आपको कनेक्टेड GPS का सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी एक्यूरेसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स रिकॉर्ड और यहाँ पर आपको रिमाइंडर का फीचर मिल जाता है जो कि आप एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर दिया गया है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट दिया गया है और इसमें आप 5 दिन का वेदर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वॉच फेस चेंज करने का फीचर दिया गया है और यहाँ पर आपको स्टॉक का फीचर भी मिल जाता है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये फीचर आपके काम आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट और फाइन डिवाइस का फीचर भी मिल जाता है। और सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस, उसके बाद रिंगटोन वाइब्रेशन में जाएंगे तो यहाँ से वाइब्रेशन मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं और साइलेंट मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिस्ट अवेक, ब्राइट स्क्रीन टाइम की बात करें तो इसमें आपको 30 सेकंड्स का टाइम मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है। उसके बाद यहाँ पर आपको DND और मेन्यू व्यू की बात करें तो इसमें आप मेन्यू स्टाइल को चेंज कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया।
उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर ऑटो स्पॉट डिटेक्शन फीचर भी मिल जाता है, तो उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट कॉल्स, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, QR कोड, रिबूट, पावर ऑफ और रिसेट का ऑप्शन दिया गया है। बात करें एक्यूरेसी की, तो इस वॉच की एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी है, और सबसे पहले इसके पेडोमीटर की बात करें तो यहाँ पर इसका रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट आता है। सबसे पहले मैंने 110 स्टेप्स लिए, तो यहाँ पर इसने 114 काउंट किए, तो रिजल्ट काफ़ी हद तक एक्यूरेट आया। और इसमें आपको कनेक्टेड GPS का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप रूट वगैरह भी देख सकते हैं एप्लीकेशन में जाके। हार्ट रेट की बात करें तो इसका हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, और इसमें आपको 24/7 हार्ट रेट मिल जाता है, तो यहाँ पर आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और देख सकते हैं मैंने ऑक्सीमीटर से इसको कंपेयर किया, तो यहाँ पर जो रीडिंग आ रही थी बिल्कुल ऑक्सीमीटर से मैच कर रही थी। जैसे जैसे ऑक्सीमीटर में बढ़ रहा था वैसे वैसे वॉच में भी बढ़ रहा था, और जैसे जैसे ऑक्सीमीटर में घट रहा था वैसे वैसे वॉच में भी घट रहा था, तो हार्ट रेट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। SPOD की बात करें तो यहाँ पर आपको अलग से रेड लाइट सेंसर भी दिया गया है, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप SPOD के लिए वॉच पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग आ रही है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रही है। उसके बाद इस वॉच से आप स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जो कि मुझे उतना एक्यूरेट नहीं लगता है, हमेशा नॉर्मली आता है। और स्लीप ट्रैकिंग की बात करें तो भाई इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, और मैंने इसको चेक किया तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट और अवेक टाइम भी शो हो जाता है, तो स्लीप की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको इस वॉच में एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिल जाती है प्राइस को कंसिडर करते हुए। अब ये कॉलिंग वॉच है तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर मिल जाता है, और दोनों की क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है, आराम से बात कर सकते हैं। स्पीकर काफ़ी लाउड है और क्रिस्प आवाज़ आती है, ऐसा नहीं है कि आवाज़ फटती है। बाकी यहाँ पर मैं इसके स्पीकर की क्वालिटी आप लोगों को सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। एयरटेल में आपका स्वागत है, प्रीपेड सेवाओं के लिए 1 दबाएं, पोस्टपेड सेवाओं के लिए 2 दबाएं, एक्सट्रीम फाइबर ऑफ 6 लाइन। तो देख सकते हैं स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है और क्रिस्प आवाज़ आती है। जब कॉल आता है तो कॉल को कट कर सकते हैं और रिसीव करके बात कर सकते हैं, और इसमें आपको क्विक रिप्लाई का फीचर भी मिल जाता है अगर आप इसको एंड्रॉइड फ़ोन के साथ यूज़ करेंगे। मैं इसको आईफोन के साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्विक रिप्लाई का फीचर नहीं मिलता है। बाकी कॉल वगैरह काफ़ी अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, और इसमें आपको डायल पैड भी मिल जाता है, और 10 कॉन्टैक्ट्स को आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, और कॉलिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। बाकी रही बात नोटिफिकेशन की, तो मैसेज को आप पढ़ सकते हैं, रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, और आपको 8-10 लाइंस के मैसेज मिल जाते हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है। रही बात कनेक्टिविटी की, तो इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा फास्ट और स्टेबल है, और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि लेटेस्ट है। उसके साथ यहाँ पर आपको ट्रू सिंक टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो इसमें सिंगल चिप का यूज़ किया गया है, और इसकी वजह से इसको आपको एक ही बार पेयर करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बजट कॉलिंग वॉच में आपको 2 ब्लूटूथ मिलते हैं, एक आपको एप्लीकेशन में पेयर करना पड़ता है और दूसरा आपको सेटिंग में जाकर ब्लूटूथ में पेयर करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, आपको बस एक ही जगह पर पेयर करना है और आपका काम हो जाएगा, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। बाकी ऐप सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉइस फिट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है, जो कि आप लोगों को पता है काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्टेबल एप्लीकेशन है, और काफ़ी सारे ढेर सारे फीचर्स आपको उसमें मिल जाते हैं। बाकी अगर आप लोगों को एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो एप्लीकेशन भी काफ़ी सही है और कनेक्टिविटी इसकी सुपर फास्ट है। अब आते हैं इस वॉच की UI पे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा UI भी देखने को मिल जाता है, और लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाती है, उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, जहाँ पर आपको फाइंड डिवाइस, DND, सेटिंग, उसके बाद म्यूट, यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और पावर सेविंग मोड यहाँ पर आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस मॉनिटरिंग हो गया, उसके बाद स्लीप, ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट रेट। उसके बाद राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लूप में दिया गया है। बाकी डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और बटन को प्रेस करेंगे तो आप मेन मेन्यू में चले जाएंगे, जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो इस तरह का आपको UI मिल जाता है। बाकी डिस्प्ले को ऑफ करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डिस्प्ले खुद ब खुद ऑफ होगी, तो UI भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब लास्ट में आते हैं इस वॉच की बैटरी बैकअप पे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ा बैटरी बैकअप भी मिलने वाला है, और इसमें आपको 300 mAh की बैटरी मिल जाती है, और सिंगल चिप की वजह से यहाँ पर जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम है, और आपको 2-3 दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप कॉलिंग फीचर को यूज़ करते हैं। अगर आप कॉलिंग फीचर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको 5-6 दिन का भी बैटरी बैकअप मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है कॉलिंग वॉच के हिसाब से। आते हैं वर्टिक पी की, क्या इसको लेना चाहिए या नहीं, तो इसका जो लॉन्च प्राइस है वो है 2000, और बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो 2000 का सबसे भाई काफ़ी ज़बरदस्त वॉच है, यहाँ पर आपको जो कॉलिंग फंक्शन मिलता है काफ़ी अच्छा मिलता है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, और ये सभी रिस्ट पे सूट करने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एक्यूरेसी मिलती है काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। बाकी बैटरी बैकअप भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, और कनेक्टिविटी सुपर फास्ट है। तो अगर आप लोगों का बजट कम है, कम बजट में आपको एक अच्छी कॉलिंग वॉच लेना है भाई, इसके लिए ज़रूर से जा सकते हैं, काफ़ी सही वॉच है। कमी की बात करें तो यहाँ पर इसके डिस्प्ले में जो बेजल मिलते हैं वो थोड़ा से ज़्यादा मिलते हैं, और आप लोगों को पता है कि इस प्राइस रेंज के सभी वॉचेस में आपको इतने बेजल मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको बेजल से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इसमें आपको 5 कलर वेरिएंट मिलने वाले हैं, तो आप लोगों को जो पसंद है आप लोग ले सकते हैं। बाकी ग्रीन और ग्रे कलर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो अगर आप लोगों को लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और ये कल से आप लोगों को फ्लिपकार्ट और नॉइस की वेबसाइट पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।